इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंतक धूम जायमान है, ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है, धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है, जायमान है वो अटल विधान है, विजय का वो प्रमाण है, ब्रह्मांड का अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था, बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। समझती है पाप शक्ति रक्षिंद्रा से वो नहीं बच सकती, और सवितान की नारी तो कभी नहीं। क्या नाम है उसका? जंगल में कहां का सवितान केंद्र? रात को भागते हुए दिशा का ज्ञान भी नहीं रहा, शायद इसी ओर होगा। देखते हैं। अलेक्सा, अलेक्सा, Alexa!
अलिक शालिक मेरी आवाज की आवाज अलिक शालिक मैं जंगल में रास्ता बदल गई हूँ अपने यान की पूर्व दिशा में हूँ मुझे रास्ता बताओ किस दिशा में हो तुम अलेक्सा अलेक्सा और तो तुम्हारा नाम अलेक्सा है और वो तुम्हें मानसिक संकेत भेज रही है तुम्हारा पता पूछ रही है मगर वो नहीं जानती कि उसने हमें अपना पता बता दिया है सुना नहीं तुम लोगों ने उसने हमें अपना पता बता दिया है जी पाप शक्ति रक्षिंद्रा तेजी तेजी सावधान सावधान तुम खतरे में फंस रही हो तेजी सावधान तेजी तुम खतरे में फंस रही हो तेजी हो बच्ची लगता है तुम्हारे शरीर में खास ही खून है अब ये खून हमारे काम आएगा तुम्हारा शरीर यहाँ सांस नहीं ले सकता है बच्ची
बार सोचोगी जरूर। कौन हो तुम? सुना नहीं? पाप शक्ति रक्षेंद्रा हूँ मैं। हमारे केंद्र पर कब्जा क्यों किया तुमने? केवल ये केंद्र नहीं, ब्रह्मांड में फैले सविता के सभी केंद्रों पर कब्जा करना चाहती हूँ मैं। ये तो अभी शुरुआत है। ब्रह्मांड में मैं सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि नारी की वास्तविक शक्ति पाप शक्ति रक्षेंद्रा है, सविता की नारियाँ नहीं। नारी शक्ति कभी पाप शक्ति नहीं हो सकती। ऐसा तुम सविता की बहने मानती हो। मैं भी कभी सविता की बहन हुआ करती थी। क्या? हाँ, शक्तिशाली नारी बनने की महत्वाकांक्षा ने मुझे सदस्य बनाया संविधान का। संविधान में शिक्षा लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं उतनी शक्तिशाली नहीं बन पाई हूँ जितना मैं बनना चाहती थी, और शक्तिशाली बनना चाहती थी मैं। इसलिए मैंने गुप्त रूप से पाप शक्तियों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। मेरी शक्तियाँ अर्जित होने लगी, मेरी शक्तियाँ बढ़ने लगी, पर इस बात का गुरु माता को पता चल गया और उन्होंने मुझे संविधान से निकलवा दिया। हाँ, क्योंकि तुमने संविधान के नियमों का उल्लंघन किया था। अब संविधान के नियम मैं बनाऊंगी, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। शायद संविधान की नारियों की शक्ति को तुम भूल रही हो रक्षेंद्रा। भूल कैसे जाऊंगी? संविधान की नारियों की ताकत ही तो मेरी ताकत है, उनसे ही तो बढ़ती है मेरी ताकत। मैं भला अपनी ताकत को कैसे भूल जाऊंगी? संविधान की नारियों से तुम्हारी ताकत बढ़ती है? मैं समझी नहीं। अभी समझाती हूँ, देखो। ये क्या कर रही हो तुम? देखा, ऐसे समझ गई ना? औरत नहीं, डाइन हो तुम। डाइन ही वास्तविक रूप है औरत का, पाप ही असली ताकत है औरत की। अब तुम एक एक करके मेरी ताकत में शुमार हो जाओगी इसी तरह। बस तब तक अपनी बारी आने का इंतजार करो कैद खाने में। ले जाओ इन्हें और डाल दो कैद खाने में। पाप शक्ति रक्षेंद्रा। तुम भी आ गई यहाँ रक्षेंद्रा की शक्ति में शामिल होने के लिए? लगता है हमारा अंत यही होने वाला है तेजी। नहीं, धीरज रखो। पाप शुरू में ताकतवर जरूर लगता है, मगर जीत तो सच्चाई की ही होती है, क्योंकि सच्चाई के साथ
ईश्वर होता है। देखना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। क्या? हाँ, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उनके यान को खोल नहीं सके। तुम्हारी शक्तियाँ क्या हुई? उस यान पर हमारी कोई शक्ति काम नहीं कर रही है। क्षमा क्षमा, पाप शक्ति रक्षिंद्र, क्षमा क्षमा, क्षमा क्षमा, असफलताओं को क्षमा नहीं सजा देती है रक्षेंद्रा। उस यान पर हमारा कब्जा होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो यान संतान का है। उस यान से हम संतान के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर हम उस यान से गए तो हमें कोई नहीं रोकेगा। पाप शक्ति रक्षिंद्रा, जिसका यान है शायद वही इसे खोलने का कोई ना कोई उपाय बता सकता है। उस सबसे तेज लड़की को मेरे सामने रख दिया। सारे संतान पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। जाओ पाप शक्ति रक्षिंद्रा। रक्षिंद्रा ने तुम्हें बुलाया है, चलो। मैं उस पापनी की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मैं नहीं जाऊंगी। लगता है रक्षिंद्रा तेजी को मारकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है और उसके बाद फिर हमें। शक्ति रक्षिंद्रा की जय। पाप शक्ति रक्षिंद्रा की जय। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है, यानी के मैं पाप शक्ति रक्षिंद्रा लेकिन तुम जीवित बच सकती हो। बस हमें अपने यान को खोलने का तरीका बता दो। शायद वहां जाकर कोई रास्ता निकल सके। क्या सोचा? जल्दी बताओ वरना उस यान को मेरे अलावा और कोई नहीं खोल सकता। मुझे यान के पास अगर लेके जा सकती हो तभी ये संभव है। ठीक है। पाप शक्ति रक्षिंद्रा, पाप शक्ति रक्षिंद्रा, चलो मेरे साथ।